नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। एक खुशखबरी के बाद दूसरी खुशखबरी, यानी आपके पास बैक टू बैक दो खुशखबरियां हैं। पता है क्या है वो खुशखबरी? नहीं पता है, चलो बताती हूँ। आपके आरजेएस प्री की डेट भी आ गई और आपके हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज की डेट भी आ गई। फाइनली आपके सामने दो एग्जाम आ चुके हैं और दोनों ही एग्जाम नवम्बर में है। कब है? नवम्बर। मैं अक्सर कहती हूँ नवंबर में सबसे ग्रेट मंथ होता है। पता क्यों कहती हूँ? क्योंकि मेरा जन्मदिन नवंबर में आता है। इवन तो यूनिक्लो क्लासेस का बर्थडे भी नवंबर में आता है। और न जाने कितने बड़े बड़े शख्सियत हैं जिनका जन्मदिन नवंबर में आता है। और इस बार तो नवंबर आपकी जिंदगी बदल देगा। इस बार तो नवंबर भी आपकी जिंदगी बदल देगा। इस नवंबर में आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है, एक आपको हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज को क्लियर करना, एक आपको राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज क्लियर करना। तो बस अब और क्या चाहिए, आज से अपने आप को कर लीजिए छोटे से दायरे में सीमित, यानी कमरे में अपने आप को बंद करके स्टडी तैयार करें। आज है आपके पास 6 अक्टूबर, ठीक है? फिर आता अपने पास 6 नवंबर, यानी 30 डेज तो यहाँ पे आपके पास हैं। उसके बाद भी आपके पास 20 डेज मिनिमम है, यानी मैं बात करूं तो 50 डेज। मैं अक्सर कहती हूँ कि राजस्थान जुडिशियल जब भी डेट अनाउंस करेगी आपको मिनिमम 45 डेज देगी, इट्स मीन आपको 1.5 महीना देगी और 1.5 महीना उन्होंने दिया है। अब आता हरियाणा जुडिशियल। अब आप में से जो राजस्थान के वो इस असंतुष्ट में हैं कि क्या हमें हरियाणा छोड़ देना चाहिए, और हरियाणा वालों को तो टेंशन ही खत्म, पहले हरियाणा देके फिर राजस्थान में आ जाओ, उनके लिए तो कोई टेंशन है ही नहीं, टेंशन है राजस्थान जुडिशियल वालों को, राइट? तो मैं राजस्थान वालों से कहूंगी या उन सबसे कहूंगी जिन्होंने दोनों फॉर्म भर रखे हैं, उनको कोई जरूरत नहीं तैयारी छोड़ने की। वो डिवाइड कर ले अपने डे को, मॉर्निंग आर में वो पढ़े 1 और इवनिंग आर में ये, और डे में करे आराम रेस्ट। मेजर दोनों के कॉमन है तो फिर क्या करना है, सिर्फ माइनर ही तो है। इसके माइनर को अर्ली मॉर्निंग पढ़ ले, उसके लास्ट में पढ़ ले, यानी हरियाणा वाले जो है उनको तो टेंशन नहीं है, वो तो अपने आराम से हरियाणा करे, पूरे मेजर क्लियर हो जाएंगे, हरियाणा का एग्जाम देकर अपने राजस्थान के माइनर उठा लेंगे। लेकिन जो हरियाणा और राजस्थान दोनों दे रहे हैं और जिसके लिए राजस्थान प्रायोरिटी है, उनको मैं कहूंगी अपने के साथ साथ माइनर भी चलाने हैं, अपने को साथ साथ अपने माइनर भी चलाने हैं, ठीक है? तो डिवाइड कर ले, ऐसे टेंशन ना करे। और जब अपना पास आ जाएगा 1 नवंबर, तो 1 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक जो आपका हरियाणा का एग्जाम है, फिर उसी के माइनर पढ़ना, राजस्थान के मत पढ़ना, ठीक है? तो एक सुंदर से स्ट्रेटेजी प्लान बनाइए और स्ट्रेटेजी प्लान को फॉलो करते हैं उसको कीजिए। अब आपके मन में आता है क्या अब हमें कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए? नहीं। अब क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए? नहीं। या हमें सिर्फ पढ़ना चाहिए? ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अब पढ़ना खुद पढ़ सकते हैं या आपको गाइडेंस के साथ पढ़ना है, ये आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा। आप मॉक टेस्ट लेने चाहिए कि नहीं, टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए या नहीं, ये भी आपको डिसाइड करना है। बट मैं आपको इन सब के बाद भी एक चीज सिखाऊंगी, क्या अपने बैरेट को कभी ना छोड़े। कुछ भी ले लो, कहीं से पढ़ लो, क्या ले रहे हो क्या नहीं, लेकिन अपना स्ट्रेटेजी प्लान करे और अपने बैरेट का साथ न छोड़े, क्योंकि आपका 90% पेपर वहीं से कवर हो जाएगा। और जब 90% पेपर आपका वहीं से कवर हो जाएगा तो आपको लाने तो कितने हैं, कट ऑफ वाले नंबर लाने, 100 में से 100 तो नहीं लाने ना, नहीं लाने। तो बस अपनी स्ट्रेटेजी कीजिए, एक अच्छा सा प्लान कीजिए। अपने इस प्लान में दो चीजों को इंक्लूड करना, एक आपकी भरपूर नींद और एक अच्छी डाइट। अगर ये दोनों आपके साथ होगी तो आप बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। और एक तीसरा काम, अगर फैमिली में साथ में रहते हो तो फिर आप एक काम कीजिएगा, अपना मोबाइल उनको दे दीजिएगा। जब भी आप पढ़ने के लिए एंटर करेंगे अपने रूम में, अपने मोबाइल को बाहर रख दीजिएगा। मानती हूँ बहुत सारी चीजें आपको अपने मोबाइल के थ्रू करनी पड़ती है तो उसका अलग टाइम रखिएगा, लेकिन जब आप पढ़ने जा रहे हैं, जब आप अपने बैरक को पढ़ रहे हैं, उसको अच्छे से याद कर रहे हैं, उसका मंथन कर रहे हैं, अपने साथ मोबाइल मत लेके जाना बेटा। क्योंकि हम पढ़ते पढ़ते मोबाइल में खो जाते हैं, दोस्त से बात करने लगते हैं और लंबा निकल जाते हैं। अगर हमें दोस्त के साथ डिस्कशन करना है तो अपने पढ़ने के टाइम नहीं, पहले अपना पढ़ना है, फिर वॉक करते हुए, फोन पे बात करते हुए, जैसे अपने खाना खाए अपने फ्रेंड को फोन पे ले, चल भाई अब अपन डिस्कशन कर लेते हैं, दैट इज गुड। लेकिन अपने रूम में बैठकर फोन यूज नहीं करना है, 100% सिलेक्शन आपके हाथ में रहेगा। मानते बुरा लगेगा फोन को इग्नोर करने को कह रही हूँ, पर फिलहाल ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा रोड़ा है, इसे दूर करना होगा। तो आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, इंतजार हुआ खत्म, राजस्थान प्री हो गई अनाउंसमेंट, मार्च वाला टेंशन भी खत्म। मैंने कहा था दिसंबर के फर्स्ट वीक में आएगा, चलो नवंबर के लास्ट वीक में आ गया, फायदा हो गया, लास्ट और दिसंबर फर्स्ट वीक का चल रहा था, हमें डाउट था कि मार्च में ना चला जाए, बच गए, मार्च में नई वैकेंसी आएगी, फिर से नई वैकेंसी, नया जोश के साथ हम काम करेंगे। तो फिलहाल ऑल द बेस्ट इस एग्जाम के लिए, आज के लिए धन्यवाद।